अफगानिस्तान में तैनात भारतीय मेजर ने धोखे से अफगान खातून से शादी कर ली, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि मेजर शादीशुदा है। काबुल से ताल्लुक रखने वाली साबरा अपने हक के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हैं और इस अजम का इजहार किया है कि वो धोखेबाज भारतीय मेजर से अपने हक के लिए हर सतह तक जाएंगी। नई दिल्ली से वन वर्ल्ड के ब्यूरो चीफ परवेज अहमद की रिपोर्ट। और मेजर एस के पंत की मुलाकात काबुल के सरकारी अस्पताल में हुई थी। 19 साल साबरा वहां नर्स थी। मेजर पंत ने साबिरा के घर वालों से शादी की बात की तो उन्होंने एक हिंदू नौजवान से शादी की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन साबिरा बताती है कि मेजर पंत अपना मजहब बदलने के लिए तैयार हो गए। उसने अपने धर्म चेंज करके उसका नाम हिम्मत खान रखा और उसके बाद हमारी शादी हुआ। शादी के महज 15 दिन बाद मेजर पंत का तबादला भारत हो गया। एक अरसे बाद उन्होंने साबिरा को फोन पर बताया कि वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे हैं। साबिरा को सुनकर धक्का तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपनी लड़ाई लड़ने भारत पहुंच गई। साबिरा ने मेजर पंत के सामने 3 शर्तें रखी हैं। मैंने 3 रास्ता बता दिया। मैंने कहा या फिर आप मुझे अपने साथ रखो, या फिर आप मेरे साथ अफगानिस्तान चले जाना, या फिर अफगानिस्तान जहाँ पे आपने शादी की है वहाँ पे मुझे तलाक दे देना। तीनों बातों पे उसने मानने के लिए मना किया। साबिरा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उसके मामले की जांच फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री कर रही है। भारत में मिल रही मदद से वो बेहद खुश है। इंडिया में जो दिल्ली में है यहाँ पे भी आयशा पार्टी का और जूनियर स्टूडेंट ह्यूमन राइट वाले सभी का सपोर्ट मिल रहा है। मेरे लॉयर रविंद्र कड़िया जी वो भी हैं और पूरी इंडिया की जितने भी लोग हैं वो लोग मेरा बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। साबिरा का कहना है कि वो अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी, चाहे उसमें कितना ही वक्त लगे। कैमरामैन राजकुमार के साथ परवेज अहमद, ARY वर्ल्ड, दिल्ली।